हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति गैरा का प्यार भरा पलक प्रणाम नमस्कार। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी, जो मेरा कल से सरदर्द होता, शायद से मुझे जुकाम लग रहा था तो इसलिए हो रहा था। तो आज मेरी पूरी नाक बंद हो चुकी है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अटपटी सी आएगी। बाकी मैं हो चुकी हूँ रेडी स्कूल के लिए और मेरी कानित्या कर रही है अभी रिविजन। वाटर बॉटल ले लेती हूँ मैं, मम्मी ने भरी है गर्म पानी से। मैंने चेक भी नहीं किया कि पानी कितना गर्म है या नहीं है, ठंडा है कैसा, अभी करती हूँ चेक। एक हाथ में फोन है तो कैसे करूँ। बाकी नित्या और काशिका आज लास्ट एग्जाम है, और मतलब रिटर्न लास्ट है। वैसे ओरली अभी नित्या लोगों के 13 आफ्टर होली होंगे। तो नित्या एंड काशी को आप देखिए, आज नित्या और काशी अपने ड्रेस में नहीं है अभी तो फिलहाल, ये लोग कर रहे हैं रिविजन। नित्या लिख रही है सप्ताह के नाम, क्योंकि आज नित्या का हिंदी है और काशी का है मैथ्स। तो नित्या ने पहना हुआ है पार्टी वेयर और काशी ने पहना है होली का फ्रॉक। एक्चुअली मैं नित्या भी होली का ही पहन के ले जाती, वैसे तो मैसेज आया था कि होली वेयर, होली के ड्रेस और पार्टी वेयर पहनना है, बट नित्या काशी ने जो पहना है वो नित्या का फ्रॉक पहना है, क्योंकि काशी का फ्रॉक छोटा हो गया था और नित्या का फ्रॉक ये है जो नित्या को भी छोटा हो गया था, तो नित्या ने इसलिए पार्टी वेयर ड्रेस पहनी है। यहाँ पे दिखाओ दोनों बहनों, ये तो एक जना होली सेलिब्रेशन करेगा और एक जना फाउंडर डे सेलिब्रेशन। फाउंडर डे मीन्स पता है आपको नित्या, आज आपके स्कूल स्टार्ट किया होगा ना मैम ने, तो आज मैम फाउंडर डे सेलिब्रेट कर रही हैं। हाँ, और होली भी है। अरे कलर रख देना है इनके लिए पन्नी में, थोड़ा थोड़ा दोनों के उसमें। हाँ तो अच्छे से होली मना, पहले अच्छे से एग्जाम देना। क्या देना? एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओ माय गॉड, तो अच्छे से एग्जाम देना और फिर अच्छे से होली सेलिब्रेट करके आना, ठीक है? हाँ, पहले ये सप्ताह नेम अच्छे से लिखो। तो दोस्तों बाय करो फिर, बेस्ट बाय। आंवला एकादशी का फास्ट भी होता है आज, तो आप सभी को आंवला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहले शादी से पहले तो मैं फास्ट लेती थी आंवला एकादशी का, लेकिन अब मैंने लिया ही नहीं, शादी के बाद स्टार्ट ही नहीं किया, इस बार भी नहीं लिया। अब देखती हूँ कब स्टार्ट करती हूँ। पहले लेती थी शादी से पहले, हमारे यहाँ पे एक काशिनगाड़ भूमजू मंदिर है, हम लोग वहाँ जाते थे सब जने एकादशी के दिन, और फिर शाम को वापस आते हुए आंवले के पेड़ वगैरह लेके आते थे, आंवले की टहनी वगैरह। तो आज आंवले की टहनी की पूजा की जाती है आंवला एकादशी के दिन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद, और शायद से आपको स्कूल से आके कुछ होलियों का नज़ारा दिखा मेरे व्लॉग में, तो तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। हेलो दोस्तों, तो अभी आ चुकी हूँ मैं स्कूल से वापस घर, और अभी रेडी होना है। अरे और बताते थे। अच्छा फिर बताना। तो आजकल पता नहीं मेरा 3 दिन से सर में इतना हेडेक हो रहा है, इतना दर्द हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, ये हिस्से में और इधर इधर पूरे आंखों के ऊपर और इधर। या तो मुझे लग रहा है कि व्लॉग एडिट करती हूँ मैं रात को लाइट बंद करके, तो या तो मेरी आईज वीक हो रही है या जुकाम हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरा, 3 दिन कंटिन्यू हो गए हैं, मैं डिस्प्रिन खा रही हूँ और आज भी दर्द ही हो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे लग रहा है आईज चेक करवानी पड़ेगी, लेकिन मुझे स्पैक नहीं पहनना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्पैक पहनना, बट मुझे पसंद है। अगर हेडेक सही नहीं होगा तो क्या पता पहनना ही ना पड़े। तो अभी मैं रेडी होती हूँ होली में जाने के लिए। तो दोस्तों मैं और नित्या हो चुके हैं रेडी, नित्या ने पहना है फ्रॉक और हेयर स्टाइल मैंने इसका चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने सुबह इसकी फ्रेंच चुटिया बनाई थी तो यही है। तो आज मैंने भी अपने कान पे पहन लिए हैं इयररिंग्स काफी टाइम के बाद, वैसे इयररिंग्स तो मैं पहनती हूँ शादी वादी में जाते हुए, तो आर्टिफिशियल पहनती हूँ। आज मैंने पहने गोल्ड वाले जिन्हें मैं पहनती नहीं हूँ, बस बना के रख दिए और पहने ही नहीं, बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मेरे कान के ना छेद थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और ये वाले कान का छेद थोड़ा सा टेढ़ा भी छिदा हुआ है, तो मुझे वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगता है, तो इसलिए मुझे अच्छा ही नहीं लगता पहनना। तो इससे मैं डेली यूज़ मतलब डेली मैं नहीं पहनती हूँ इनको। फिलहाल मैं और नित्या चलते हैं, वरना काशी उठ गई तो उसका हंगामा कर देगी, वो दोनों को नहीं ले जा सकती, क्योंकि फिर दोनों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर दोस्तों साड़ी के साथ मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली, चार इसमें पहनी है और चार इसमें मैरून कलर की, क्योंकि रेड चूड़ियाँ सिर्फ 4 ही थी तो फिर दो बहुत कम लग रही थी, इसलिए मैंने मैरून ही पहन ली। मुझे मैरून भी अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी के साथ चूड़ियाँ अच्छी लगती है, कड़े अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैं और नित्या निकलते हैं, नित्या बाहर से छुपी है, कहीं बहनी उठ जाएगी और मुझे देख लेगी, कहती हाँ छुपी है। जाओ पहले अपने लिए हैंकी लेके आओ, अंदर से अपने स्कूल बैग से हैंकी निकाल के लाओ, चुपचाप लेके।
आगे ले जाओ। हरे घर होली है, भवानी आज हमारे घर होली है।
भाई? खो खो। तुम्हारी मजे, तुम लोगों ने होली तो सुनी नहीं, तुम खो खो खेल रहे हो। प्लम आंटी कैसे हो? इतने लोगों में खो खो हो जा रही है? अच्छा प्लीज इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय। तो बहनी को चिढ़ा रही है, मेरे बच्चे को चिढ़ा रही है। बोल मैं भी जाऊंगी कल को, बोल मैं भी जाऊंगी। वो बच्चा, आप भी जाओगे ना कल को? क्या हुआ? मैं भी क्या हुआ? हाँ ये नहीं जाएगी कल को। हाँ ये मेरी 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 बाबू आएगी। मेरी हाँ, मेरे मोबाइल में कार्टून देखा तभी। चलो फिर ऊपर चलो। तो दोस्तों आज आपने देखी स्टार्टिंग से आशीष देने तक की हमारी कॉलोनी की होली। लास्ट में घर के सभी लोगों का नाम लेके होली खत्म की जाती है, आशीष दिया जाता है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और घर पहुंचते ही पवन बोल रहे हैं कि गुजिया का सामान लाना है क्योंकि होली है अब 8 तारीख को। अभी हमारी गुजिया भी नहीं बनी हुई है, कल सैटरडे है तो कल को शाम को बनाएंगे स्कूल से आके। तो दोस्तों अभी हो गया मेरा चेंज, होली का ड्रेस है, और फिलहाल मैं खा रही हूँ गुजिया। जो हमारे नीचे भैया लोग रहते हैं हिरदा लोग, उन्होंने गुजिया बना भी दी, हम तो कल बनाएंगे शायद से। पवन गए हुए हैं अभी सामान लेने। बाकी दोस्तों आज आपने देखी मेरी कॉलोनी की होली। एक्चुअली मैं ना खुल के ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ करके। तो ये वीडियो भी किसी बच्ची ने बनाई, तो ऐसे मैं खुद के फेस में फ़ोन लेके ऐसे नहीं बोल पाती क्योंकि मैंने किसी को बोला ही नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। जिसे पता चला है वैसे ही एक दूसरे के थ्रू पता चला है, बट मैं अभी तक किसी से अपने मुँह से नहीं बोला अपनी कॉलोनी में भी कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। शायद से जब मैं लास्ट में उनको बाय कर रही थी तो एक भाभी उन्हें तो पता था, औरों को भी शायद से पता है, वो लोग ब्लॉग देखते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता है सच में कि कौन मेरे ब्लॉग देखते हैं और कौन नहीं देखते हैं, कितने मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी कॉलोनी के हैं, कितने मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि कभी किसी के कमेंट आते नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि मेरे कौन रिश्तेदार मेरे सब्सक्राइबर हैं और कौन मेरे अड़ोस पड़ोस वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी अपने से नहीं बोला कि मेरा चैनल है उसे लाइक करो और शेयर करो करके। हाँ ब्लॉग में ज़रूर बोलती हूँ। बाकी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कौन मेरे डेली व्यूवर्स हैं, ताकि मुझे तो पता चले एटलीस्ट कि कौन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी अभी मैं सोशल ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। होली का ब्लॉग आज या होली का हो गया है पूरा, और बाकी इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी, फिर ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं एडिटिंग भी कर देती हूँ क्योंकि मैं घर आई तो मेरे घर में आने तक मम्मी ने सब्जी बना के रखी थी, फिर मैं आटा गूंथ के बाद में रोटी वगैरह बनाऊंगी। तब तक मैं कर लेती हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग क्योंकि फिर कल को भी होली में ही जाना होगा तो फिर शाम को टाइम नहीं हो पाएगा, और मैं रात को सोना चाहूँगी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगिंग और एडिटिंग के चक्कर से मेरे आँखों में लगने वाला है चश्मा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो मैं अभी उजाला जब तक है तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो गाइज ऐसे ही अपना प्यार दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर्स कौन कौन है जो खुद से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे बोले बगैर। जो मेरे बोले हुए जुड़े हैं उनका तो मुझे पता है, जो मेरे बोले बगैर मेरे इससे जुड़े हुए हैं प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमॉरो।